गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मुझे करना था फेस स्क्रब। तो अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, ओनली फेस वॉश करके छोड़ दिया है। तो अभी मुझे खाना बनाना है, उसके बाद मैं करूँगी स्क्रब। आज मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा ना, बहुत ज़्यादा गाइज। कल से पता नहीं क्या हो रहा है, बेटी वॉकर में घूमती है और सीधा ऐसे कैसे नीचे जाके गिर जाती है। कल से, कल शाम को भी वो गिर गई थी, इतना रोई, और आज सुबह भी, और एक सेकंड में ही पता नहीं कि कैसे क्या पीछे से वॉकर उड़ जाता है और आगे सीधे फेस के ऐसे कैसे गिर जाती है। तो आज से फिर मैंने वॉकर को साइड में ही रख दिया मैं, कि अभी इसमें बिठाना ही नहीं है क्योंकि बच्ची है यार, उसको कितना ही बचा लो लेकिन फिर भी वो किधर इधर उधर करके गिर ही जाती है। तो सुबह से इतना मूड अपसेट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे बनानी है, अभी मुझे बनाना है खाना। परमल पड़े हैं तो उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वाला अभी कोई आया ही नहीं, वेट कर रही हूँ। और लेकिन अभी पड़ा है तो उसी का बना लेती हूँ। लेकिन आज एक प्रॉब्लम और हो गई है, सुबह से ही पता नहीं आज का दिन ही कैसा है। जो वॉशरूम वाली जो लाइन जाती है वो ब्लॉक हो चुकी है, और आज से 10 दिन पहले भी हो गई थी, लेकिन हमने क्लीन करवा लिया था उसको, लेकिन पता नहीं ठीक से हुआ नहीं था क्या, आज वापस से वो ब्लॉक हो गई है। तो देखते हैं, नगर निगम वाले को कॉल करते हैं या किसी प्राइवेट वाले को कॉल करते हैं क्लीन करवाने के लिए। अगर नहीं होता है तो फिर लाइन ही चेंज करवानी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आज, लेकिन क्या करें, लाइफ है यार, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। तो गाइस कल से वंशु के हो रहे हैं लूज मोशन, और बच्चों को ज़्यादा लूज मोशन की दवाई देना भी सही नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उसके डायरिया हो गया था। क्योंकि बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना, तो इनको कुछ भी खाने की आदत हो जाती है, तो उससे क्या इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे में, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो उस टाइम डॉक्टर ने दवाई दी थी, तो 2-3 दिन तक उसको दवाई मैंने पिलाई थी, लेकिन अभी उसको लूज मोशन वापस से हो गए हैं। तो मुझे लगा दवाई देना बार बार सही नहीं है, तो मैंने उसको आज खिलाया है केला और दही। तो दही के अंदर हल्का सा जीरा डाल के ताकि फ्लेवर आ जाए, और केले की स्मूदी मतलब थोड़ा सा पेस्ट बना के और उसमें मिला के वो खिलाया था मैंने थोड़ा सा। तो अभी उसका थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा ठीक है उसकी तबीयत, वरना कल तो इस टाइम तक वो 2-3 बार उसने लेटरिंग कर दिया था। तो आप भी अगर बच्चों, छोटे बच्चे हैं, लूज मोशन हो जाता है तो दवाई कम से कम दें, क्योंकि बच्चों को दवाई लूज मोशन की देना सही भी नहीं है। तो केला और जो दही है वो कब्ज़ के लिए भी ठीक है, लूज मोशन के लिए भी ठीक है। तो केला वैसे भी बहुत बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो छोटा सा इसका आधा इतना सा हिस्सा लेके उसका पेस्ट बना के, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना के, और देन वो उसको मैंने दिया था, जिससे उसके अभी थोड़ा रिलीफ है। तो अभी वो सो गई है, तो अभी चलती हूँ किचन में और बनाते हैं खाना। तो वंश को मैंने दही और केला दे दिया था, और उसके पापा को राबड़ी थी प्याज की, तो वो दे दी थी, तो वो पी के चले गए। अभी इसमें थोड़ी सी है तो मैं पी लेती हूँ, आज मेरा इच्छा कर रहा है बहुत राबड़ी पीने का, क्योंकि गर्मी का टाइम है और बहुत टेस्टी लगती है राबड़ी। तो गाइस परमल और आलू की सब्जी मैंने बना दी है, आज डाला है मैंने इसमें आलू, और सब्जी बन के हो चुकी है रेडी। यहाँ पर मैंने लगा दिया है आटा, तो आटा लगा के मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम तुरंत आटा लगा के चपाती बनाते हैं ना, तो उसमें वो रोटियों में वो चमक नहीं आती है। थोड़ी देर इसको ऐसे लगा के छोड़ देंगे ना, तो एकदम आटा एकदम स्मूथ हो जाता है, रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत ही मुलायम रोटियाँ बनती हैं। तो थोड़ी देर में इसको 5-7 मिनट के लिए रख देती हूँ, और तब तक के लिए मैं वंश को देख के आ जाती हूँ, क्योंकि वो बेड पर सो रही है, जग जाएगी, वो रोएगी भी नहीं, वो नीचे गिर जाएगी। तो चलते हैं अंदर। तो वंश सो रही है अभी, लाइट बंद कर देते हैं। तो गाइज वंश उठ गई है, और ये उठ चुकी है। क्या हुआ बेटू, क्या हुआ, उठ गए आप, उठ गए? अरे चलो, तो अभी कुछ खिलाते हैं इसको, क्योंकि इसको भूख लगती है, इसका गला सूख जाता है तभी ये उठती है, अदरवाइज तो नहीं उठती है। तो अभी वंश को पिलाती हूँ मैं लस्सी वगैरह, थोड़ा सा कुछ दही वगैरह खिला देती हूँ इसको। तो गाइज ये सुकून जिंदगी के किसी मोड पे नहीं है, लिटरली जो सुकून अपने बच्चे के साथ में मिलता है ना,
रियली यार, फील इट। ऐसा लगता है लाइफ की सारी परेशानियां खत्म हो गई। इतना प्यार से बच्चा खेल रहा है अपनी मम्मा की छत, देख। इतना प्यार करते हो मम्मा को रेवंस, इतना प्यार करते हो मम्मा को रेवंस। ऐज कर दो, मुंडी ला दो, मुंडी ला दो, मुंडी ला, हिला दो मुझे, हिला दो। अरे शर्मा गई, अरे शर्मा गई लाडो। वंशु इधर देख, इधर देख, मुंडी हिला दो, मुंडी हिला दो। नहीं 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 नहीं, हिला दो, हिला। अरे प्यारा जो गुन्नू बेटा, अरे प्यारा जो गुन्नू डा बेटा है तो भाई। आज तो मेरे गुन्नू की टकली फूट गई भाई दो बार, मेरे वंश की दो बार टकली फूट गई आज। अच्छा बेटा की देख, ओ माय गॉड, इसके तो होठ के निशान हो गया, यहाँ पे होठ के ऊपर निशान हो गया, इतनी दूर में स्वेलिंग आ रही है, मैंने तो अब देखा है इसके। और अगर ऐसे बच्चे के दांत आ रखे हो ना तो होठ के आर पार हो जाए, अंदर से निकल जाए। देखो ये यहाँ पे रेड रेड हो रहा है अब, लेकिन ये बदमाशी फिर भी करेगी, नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। वंश इधर आ जा बेटा, गिर जाएगा तू। वंश, वंश गिर जाएगा, इधर आ जा वंश, वो ढक्कन खुल जाएगा बेटा। इधर आ जाओ, इधर खेल लो मम्मी के पास, इधर आ जाओ लाडो। प्रिंसेस इधर आ जा, नहीं सुनेगी बिल्कुल, नहीं सुनेगी ये, इधर आ जा। इधर आ जा, इधर से मम्मी के पास, इधर से मम्मी के पास। गाइज को शिकायत लगा दू आपकी, लगा दू शिकायत आपकी कि वंचू मारा बहुत बदमाशी करता है। गाइज ये देखो होठ की स्वेलिंग आ रही है इस साइड में। अब ये सोएगी नहीं, अभी तो ये गेली गेली करेगी। तो गाइज ये है आज का मेरा लंच, यहाँ पे सैलेड में मैंने लिया है आज खीरा, ये है परमल और आलू की सब्जी, ये है दही और ये है प्याज की राबड़ी। तो अभी करते हैं जल्दी से लंच। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 10 और डिनर मेरा हो चुका है, और इधर रो रहा है हमारा बुग्गा वंशु, देखो कहाँ घूम रहा है वंशु, देखो क्या कर रही है। इसको कोई नई चीज दिखनी चाहिए, बस उसके पीछे पड़ जाती है। तो गाइज आज दिन भर से बहुत ज्यादा बिजी थे, घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने बताया था सुबह कि वाटर लाइन ब्लॉक हो चुकी थी, तो आज मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। कल के वीडियो में जो भी टिप्स मैं बताती हूँ वो कल के वीडियो में आएंगी, आज इसी वीडियो से काम चला लेना गाइज। तो अभी करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं गाइज एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, हमारे हाउस माउस की तरफ से भी आप सबको बाय बाय। बोले चालू बाबू, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हाउस माउस, कहाँ जा रहे तू, बाय।